गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अब देखिए 9 क्लास वर्कशीट नंबर 21, जरूर आप इसको थोड़ा समझिए और उसको करना, पूरा पूरा मत उतारना बेटा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी कीजिए। ये दे रखा है ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल दे रखा है, सी डी और ई ए पैरेलल दे रखा है, तो इसका मतलब है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई ए। जब दोनों लाइन पैरेलल हो गया, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल ये वाला हो जाएगा, उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जेड है तो ये एंगल भी जेड हो जाएगा, अगर ये जेड है तो ये जेड हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल मिलकर कितना हो जाएगा? 180। ये लिनियर पेयर है और ये दे रखा है वाई रेशियो जेड हो गया 3:7। इसमें जो कहीं पे भी पी नहीं है, मैंने पी मान लिया, मैंने वाई को 3p और जेड को 7p मान लिया, दोनों को ऐड करने पर 180। तो 10p इक्वल टू 180, p हो गया 18 डिग्री और 3p हो गया 54 और 7p हो गया 126 डिग्री। तो मेरा वाई हो गया मेरा कितना? 54। ये जेड हो गया 126। तो ये जेड जितना है ये भी उतना होगा और ये दोनों सेम होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत कोण, एकांतर अंत कोण, जिसकी वजह से मेरा x भी हो गया 126। दोबारा समझा दिया, ये एंगल जितना है ये एंगल उतना होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों मिलकर 180 होगा लिनियर पेयर, और आपको p मिल गया, ये y मिल गया आपको 54 और ये z मिल गया आपको 126, ये दोनों बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिससे कि आपका हो गया 126। तो x हो गया 126, y हो गया 54, z हो गया 126। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखो, नंबर टू देखो बेटा, ये बुक का भी क्वेश्चन है 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, फिर भी देख लो। एस टी पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, हमें क्या करना है? एस टी के साथ एक पैरेलल लाइन लेना है जो आर जेड, क्या लेना है? आर और जेड एक पैरेलल लाइन खींचना है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एक लाइन आप खींचा जाएगा, को इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, तो ये दोनों को ऐड करोगे 180 होगा। क्या हो जाएगा? 180, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर उसको मिला रहा है, तो ये 180 में से 130 जाएगा, वो 50 हो जाएगा। अब जब ये पैरेलल टू ये हो गया और ये पैरेलल टू ये था, तो तीनों लाइन पैरेलल हो गया, तीनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल हो गया। अगर ये मेरा 110 है तो क्यू आर जेड भी मेरा 110 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 110 में से 50 चला जाएगा तो बचा 60 है, तो ये जो मेरा एंगल हो जाएगा वो मेरा 60 डिग्री है। तो क्यू आर एस जो मेरा एंगल है वो मेरा आएगा 60 डिग्री। दोबारा मैंने बताया, इस लाइन के साथ मैंने पैरेलल लाइन खींचा, दोनों मिलकर 180 होगा, तो 130 है तो ये 50 हो गया। अब दूसरा जो लाइन बचा, देखो पी क्यू और दूसरा जगह ऐसे, तो ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, उसमें ये एंगल 50 का चला गया तो ये बचेगा 60 का। अब आपको समझ में आ गया बेटा? तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये वर्कशीट में जो 21 वर्कशीट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।